सवाल तो हमारा उस पर भी है, आपने सवाल कभी पूछा ही नहीं कि भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाड अपने फार्म हाउस में सेक्स रैकेट चलाता था, वहां 400 बोतलें शराब की पकड़ी गई, 500 अनयूज्ड कंडोम पकड़े गए और 6 नाबालिग बच्ची पकड़ी गई, और जो बनाड भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष मेघालय का, वो हापुर में पकड़ा गया, तो उसके उत्तर प्रदेश से मेघालय का क्या कनेक्शन है? ये उसका सबसे बड़ा सवाल है। ये लोग बात तो करते हैं हिंदू धर्म की, बात तो करते हैं राम और कृष्ण की, और काम करते हैं हिंदू धर्म के विपरीत। गुजरात मॉडल सुन तो लीजिए भाई, आपका कहा क्यों जा रहे हैं? हथियारों का सप्लायर तारिक भी भारतीय जनता पार्टी से था, कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना भी भारतीय जनता पार्टी के करीबी था, आपने देखा होगा अमरनाथ में जो विघ्न डालने वाला था तालिब हुसैन, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ करीबी था, तो आप कमला गोस्वामी को भी देखा होगा जो कोकिन के साथ पकड़ी गई थी। तो सारे जितने कुकर्म हैं, जिस शारदा नारदा की बात हो रही थी, शुभेंदु अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी में है, प्रतिपक्ष का नेता है, असम का एक मुख्यमंत्री भी शारदा में था, तो जहां सीबीआई ईडी लगातार छापे मार रही थी, वो सीबीआई ईडी आज गुंगा और बहरा कैसे हो गया? कर रही है ना, उसको सांप कैसे सूंघ गया? कर रहा होता तो मुख्यमंत्री नहीं होता ना, अगर कर रहा होता तो शुभेंदु अधिकारी प्रतिपक्ष का नेता नहीं होता ना, कर क्या रहा है? कर रहा होता तो अरविंद नेगी के बारे में जानकारी होती ना, जिसको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया था, भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था, अगर हो रहा होता तो डीएसपी देवेंद्र सिंह पर कार्रवाई की बात होती ना, तो उस पर भी बात नहीं हुई ना, क्या कर रहा है बताओ ना। क्या लगता है सारे अपराधी बीजेपी से क्यों निकल रहे? के नाम पर दो बार बीजेपी की सत्ता आई, सरकार केंद्र बनी, और वही गुजरात मॉडल को कहा जा रहा है क्या की चीजें? गुजरात मॉडल तो आपने देखा, वो अहमदाबाद गुजरात की राजधानी थी, जब अमेरिका के राष्ट्रपति का स्वागत किया गया तो गुजरात मॉडल का तो उसी समय जो दीवाल बना था, अमिताभ बच्चन के दीवाल को भी फेल कर दिया, फेमस हो गई थी। अरे हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है भाई। आप उसी गुजरात में देखा होगा जब नर्मदा पर नहर परियोजना के तहत जो नहर बनाई गई थी, पानी के टेस्टिंग से ही बह गया। आपने गुजरात का वो नेशनल हाईवे भी देखा होगा ना, जो रुई का बना हुआ था, कागज का बना हुआ था, जो गल गया। आप बुंदेलखंड का भी देख लीजिए, भोपाल का देख लीजिए। तो ये कोई गुजरात मॉडल भाजपा का मॉडल नहीं है, ये सब ठग मॉडल है, भ्रष्टाचार का मॉडल है, बशर्ते देखने की बात है। लेकिन टीवी पे डिबेट नहीं चल रही इनको लेके, कैसे डिबेट चलेगा? एक भी, आप दिल्ली में रहते हैं जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य मंत्री के आवास के चंद कदमों की दूरी पर, आजादी का जहां अमृत महोत्सव काल मनाने के नाम पर अरबों रुपया पानी में फूका जा रहा है, वहां मातृशक्ति को, प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर मातृशक्ति को खुले आसमान के नीचे बच्चों को जन्म देना पड़ा। आप जाकर देखिए एम्स की दुर्दशा, और वहाँ सफदरजंग में किसका गार्ड है? भारतीय जनता पार्टी आर के सिन्हा का, और वही गार्ड मनमाड़िया जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी भी पिटाई कर दिया था। तो क्या दिखाइएगा आप लोग? आप लोग दिखाते नहीं ना, और नहीं कोई प्रिंट मिटाता, नहीं मिटाता।